से बेटा, मैं सीट पे बैठूंगा, नहीं मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा भैया। अरे बेटा आराम से, मैंने कहा ना मैं बैठूंगा। सिद्धेश दीपू, ये हमारी ट्रेन नहीं है बेटा। तो हमारी ट्रेन कब आएगी? आधे घंटे में आएगी, आ जाओ इधर बैठो। देखना जब ट्रेन आएगी तब पहले मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ। नहीं बड़े बैठते, छोटे नहीं बैठते। ये मोबाइल कहाँ रख दिया मैंने? मुझे नहीं बैठ। नहीं नहीं तू बैठ जा भैया, वो देखो। मैं टिपू, सिद्धेश, सिद्धेश दीपू, सिद्धेश दीपू, लोग तुम लोग कहाँ गए थे? मेरे पास कुछ पैसे थे ना, तो उस पैसे की ना हम लोग ने आइसक्रीम खरीद ली थी। अब खाओगे? चुप, सर्दी में कोई आइसक्रीम खाता है क्या? और मुझे भी खिला रहे हो? चुप चुप बैठो यहाँ पे। दिल्ली जाने वाली 1-2-4-0-2 अनाउंसमेंट भी हो गई, अभी 10 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाएगी। हाँ ये अरे यही है, यही है, 4-5 भाई साहब, 1 मिनट बैठ गए ट्रेन में, बैठ जा, जा अंदर जा, जा तेरे को विनी को पास बैठना है ना, जा जा के बैठ जा। थैंक यू भैया। इसके नीचे रख दो बेटा, पैर हटाओ भैया, ट्रेन चल पड़ी, मैं उधर बैठ जाता हूँ। अरे सिद्धेश बेटा, वो अंकल की सीट है, वहां से हटो। अरे बैठने दीजिए बहन जी, बच्चे हैं, बैठो बैठो। नहीं मैं दीपू के पास बैठ जाता हूँ। अरे बहुत ठंड है भैया, अरे दरवाजा बंद करना। अरे भाई साहब बैठ जाएं। हाँ बैठिए दीदी, यहाँ बैठ जाएं। कहाँ जाएंगे आप? मुगलसराय। मुगलसराय 6-7 घंटा हो जाएगा। दीदी आपको सोना होगा तो बता दीजिएगा, हम गेट पे चले जाएंगे। भैया बहुत शांति है भजन कीर्तन में, समझ रहे हैं? अरे बहुत संतोष मिला कीर्तन सुन के। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रसाद, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भैया जी सोना है हमको। हाँ आप सुइए, हम चल जाते हैं। चलो जी। ट्रेन के दूसरे यात्रियों की तरह सरिता जोशी ने भी प्रसाद खाया था। हमारा मानना है कि भगवान के नाम के प्रसाद को हम मना नहीं कर सकते, भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही ख्यालात का खामियाजा भुगतने वाले थे ट्रेन में सफर करने वाले ये यात्री, और खास करके सरिता। ट्रेन के लंबे सफर में दोस्त बनाना अच्छी बात है, लेकिन किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना ये कतई समझदारी नहीं। सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड और पब्लिक प्लेसेस पर ये घोषणा की जाती है कि किसी भी लावारिस पड़े सामान को हाथ ना लगाएं और किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने की कोई चीज ना लें, मगर फिर भी हम ये गलती कर ही जाते हैं।
गरम चाय, एक गरम चाय, चाय गरम, चाय गरम, एक गरम चाय, गरम चाय। अरे खोलो, मुगल सर आ गया, चाय पीने के ना गरम गरम। अरे चाय पीने के ना। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे देखो ना साहब, दरवाजा बंद है, सारी खिड़कियां बंद है, स्टेशन आ गए साहब। तुम जाकर उसे कुंडी खोलो, मैं देखता हूँ। हाँ, हटो, हटो। चलो चलो, मुगल सराय आ गया। चोरी हो गया साहब। साहब मेरी शादी का सारा सामान चोरी हो गया साहब, कुछ नहीं बचा साहब। ट्रेन में कोई सिक्योरिटी होती ही भी नहीं है क्या? ऐसे कैसे चलती ट्रेन में सामान चोरी हो सकता साहब? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप लोग एक एक करके अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं सबकी बात सुनूंगा। एक एक सब मेरे बच्चे नहीं मिल रहे सर। बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चे चोरी हो गए। मैंने पूरी बोगी छान मार ली, मेरे दोनों बच्चे नहीं मिल रहे। आप घबराई मत, दूसरे बोगी में होंगे। सुबह एक काम करो, बोगी चेक करो, देखो इनका बच्चा नहीं मिल रहा। आप घबराइए मत, बच्चे मिल जाएंगे। सर, बच्चे नहीं मिले। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। मैं इंस्पेक्टर राजेश तिवारी, इस केस को मैं ही हैंडल करूं। सर, मेरे बच्चे को ढूंढ निकालिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए सर, प्लीज। जी, आप फिक्र मत कीजिए। इनके घर वालों को खबर की? सर, ये अकेली रहती है। मेरे पति पिछले साल ही गुजर गए, अब मेरे बच्चे ही मेरा सहारा थे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं हो। आप मुझे ठीक से बताइए कि हुआ क्या था, आपने अपने बच्चों को आखिरी बार कब देखा था? एक बात तो क्लियर है कि प्रसाद में कुछ मिलाया गया था, वरना बोगी में किसी की नींद ना खुले, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? सर, खाने में कुछ मिलाना और देना किसी को और चोरी करना, ये पहले हुआ है, लेकिन इस तरीके से बच्चे का गायब होना ये पहली बार हुआ है। कैसा हो सकता है कि आपके बच्चों को किसी ने किडनैप किया हो? किडनैप? हमारे पास यही क्या देने के लिए सर? कुछ नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी भी नहीं है सर, कोई क्यों किडनैप करेगा? मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों की करतूत है। सर, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को कैसे भी करके दूर निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी सर। वो कैसे होंगे, कौन से हालात में होंगे? तकरीबन हर 8 मिनट में एक बच्चा या तो किडनैप हो जाता है या गायब हो जाता है, और ये तो वो गिनती है जिनकी रिपोर्ट की जाती है, और लगभग 40% बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। इन बच्चों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। सिद्धेश और दीपेश के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ट्रेन में छोटी मोटी चोरियां करने वाले कुछ बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा जरूर था, लेकिन उनसे भी कोई खबर नहीं मिली। जीआरपी और यूपी पुलिस को यह यकीन था कि ये बच्चे पटना और मुगल सराय के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। अरे बैगवा के चक्कर में बच्चुआ पकड़ ला है। सब जो है नीरजवा का किया हुआ है। क्या प्रोग्रेस है? ऑलमोस्ट डन सर। बोगी के सारे पैसेंजर्स ने उनको देखा था, इसलिए स्केचेस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
सभी स्केचेस रेडी होने पर 300 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में भिजवा देना। ओके सर। और उन बच्चों के फोटोग्राफ्स के प्रिंट्स रेडी हुए? रेडी सर। और सुनो। जी सर। ये केस बहुत सेंसिटिव है, अलर्ट रहना। ओके सर। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। सुनो, सारा माल कलुआ घर में छुपा देते हैं, सीधा 2-3 महीने बाद बेचेंगे इसको। समझाओ इन दोनों को, पिछली बार माल पार किए थे ना, दूसरे दिन बेचने की जल्दी थी और धरा गए थे पुलिस के हाथ। अच्छा, पिछली बार का गलती याद है और इस बार का गलती हैं? इन बिल्लों का क्या करेंगे? कुछ पैसेंजर्स का कहना है कि ट्रेन जब बक्सर से चल पड़ी तब वो सोए थे। इसका मतलब चोरी बक्सर और मुगलसराय के बीच में हुई है। बक्सर और मुगलसराय के बीच कोई भी ऑफिशियल स्टॉप नहीं है ट्रेन का, पर हाँ ये पता किया जा सकता है कि ट्रेन रुकी थी या नहीं, रेड लाइट की वजह से या फिर चेन पुलिंग। नहीं, जिस चालाकी से यह क्राइम हुआ है मुझे नहीं लगता कि इन्होंने चेन पुलिंग की होगी, क्योंकि इससे साफ पता चल जाएगा कि ट्रेन किस गांव में रुकी। ठीक है सर, तो फिर मैं बाकी के स्टेशनों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सर, मुगलसराय और बक्सर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने का इंतजाम हो गया है। आप वो फुटेज चेक कीजिए, मैं बक्सर की फुटेज चेक करता हूँ। वैसे यहाँ के फुटेज में कुछ भी मिलने की संभावना कम है, पर फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। राइट। चोरी बक्सर और मुगलसराय के बीच में हुई। आपने जो मुझे ये फुटेज दिखाई, ये बक्सर से मुगलसराय जाने वाली ट्रेन की। जी सर। ये भी तो हो सकता है कि चोरों ने उल्टी दिशा की ट्रेन पकड़ी हो। आप मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ट्रेन की फुटेज दिखाओ, हर प्लेटफॉर्म पर। जी सर। जब मुगलसराय, पटना, आरा और बक्सर की सीसीटीवी फुटेज से कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने हर स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लेकर कुली तक सबसे पूछताछ करनी शुरू की। साथ ही जीआरपी की मदद से वो लॉग भी चेक करना शुरू किया जो ट्रेन के आवागमन के लिए बनाया जाता है, मतलब स्टेशन पर ट्रेन कितने बजे पहुंची, कितनी देर का स्टॉप था और दो स्टेशन के बीच में क्या ट्रेन कहीं रुकी, और अगर रुकी तो उसकी वजह क्या थी। और आखिर में पुलिस पहुंची उस रात मगध एक्सप्रेस चलाने वाले लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर के पास। कल जो आपकी गाड़ी में इंसिडेंट हुआ है चोरी का, हमने उसको इंक्वायरी की है, लॉगबुक के हिसाब से पता लगा है कि मुगलसराय बक्सर के बीच में गाड़ी कहीं नहीं रुकी। सर, चलती गाड़ी से कूदना तो संभव नहीं है। बक्सर जब ट्रेन पहुंची तो उसकी सारी खिड़कियां खुली हुई, मुगलसराय में बंद थी। चोरी बक्सर और मुगलसराय के बीच में हुई है तो इस बीच गाड़ी कहीं रुकी थी। बक्सर और मुगलसराय के बीच में एक स्टेशन आता है महुआ, वहाँ गाड़ी को बहुत धीमा चलाना पड़ता है। धीमा मतलब कितना धीमा? तकरीबन 20 की स्पीड से या 10 की स्पीड से भी। इसका मतलब अगर कोई चाहे तो वहाँ पर उतर सकता है। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। क्या नाम बताया स्टेशन का? सर, महुआ। महुआ। देखो, गफूर भाई है बक्सर में, वो बच्चे खरीदते हैं, अगर सब लोग चाहो तो उनको वहाँ बेच दे। अरे यार, करना है जो करना है, जल्दी करो, नहीं तो पकड़ जाएंगे सब लोग। के भेजे हुए स्केचेस में ये दो आइडेंटिफाई हुए हैं, ये दोनों हिस्ट्री शीटर्स है सर, छोटी मोटी चोरी में कई बार पकड़े गए। इनका एरिया कौन सा? एरिया नहीं, रूट, यही पटना से मुगलसराय का रूट। ठीक है, आप इन्हें पकड़ने की कोशिश कीजिए, मैं महुआ जा रहा हूँ। आप लोग वहाँ देखो, सुन, इन दोनों बच्चों को इस एरिया में कहीं देखा है? नहीं सर। ए भाई, देख के चलो ना। अब कैसे हैं आप? मेरे बच्चे। बच्चे हिम्मत तो दिखा रहे थे, लेकिन उन शातिर बदमाशों के सामने भला वो करते भी क्या। डर सिर्फ एक बात का था कि जिस तरह से किडनैपर गुस्सा दिखा रहा था, बच्चों पर खतरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस महुआ पहुंच गई थी और हर जगह पूछताछ कर रही थी। उनके खबरी भी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। हे भगवान, काहे मारे उनको इतना? चल्लाद हो गए हो क्या तुम लोग? चलो बेटा अंदर आज। मैं लेके जाऊंगी तुमको। अच्छा, तुम लोग शरबत पियोगे? तुम भी? मैं अभी लेकर आती हूँ।
कौन है ये? गफूर भाई से बात किए थे ना, वो बोले थे कि इस औरत के पास बच्चे लेके आना। लो बच्चों, शरबत पियो। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, इस तरह बच्चों को मारकर बहुत बहादुर बन रहे हो। रातों रात बच्चों को महुआ से हटा दिया गया। यूपी पुलिस महुआ का कोना कोना ढूंढती रही, लेकिन उन्हें बच्चे कहीं नहीं मिले। ये केस पुलिस के लिए ऐसा था जैसे अंधेरे में तीर चलाना। तीर तो निशाने पर लगना था, लेकिन निशाना कहाँ है ये दिखाई नहीं दे रहा था। और अब इन दोनों बच्चों को ऐसे अंधेरे भविष्य की तरफ ले जाया जा रहा था जहां तकलीफ और आंसुओं के सिवाय और कुछ भी नहीं था। पहुंचा दिए गए थे और दूसरी तरफ स्केच ठीक से ना बनने के कारण यूपी पुलिस और जीआरपी को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पटना से मुगलसराय के बीच पुलिस के मुखबिरों से लेकर जीआरपी के ऑफिसर्स और यूपी और बिहार पुलिस की हर चौकी के पास बच्चों की तस्वीरें पहुंचा दी गई थी। पुलिस को पूरा यकीन था कि बच्चे बक्सर और मुगलसराय के बीच ही थे, और इसी यकीन के आधार पर उन्होंने पटना, मुगलसराय और बक्सर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन की फुटेज में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। सर, बक्सर बस स्टैंड की फुटेज चेक करते हैं। हाँ, बस स्टैंड की फुटेज दिखा। एक मिनट, वो सफेद बस उसमें से जो आदमी निकल रहा है, पीछे लीजिए सर। हाँ, पॉज करो, जूम करो बस पर, क्लियर करो, इमेज क्लियर करो। ये तो मेरे बच्चे सर। वो स्केचेस वाली फाइल दो जल्दी। यस सर। ये देखो, ये आदमी यही है। और वो पीछे कितने लोगों पे ज़ूम करना, और ये रहे बाकी के तीन। जी, बक्सर के एसीपी को इन्फॉर्म करो कि हम आ रहे हैं। ओके सर। मिल जाएंगे बच्चे, मिल जाएंगे। गफूर भाई, उन दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, वो सीखने को तैयार ही नहीं हो रहे। तुम्हें डराया नहीं होगा ठीक से। लेकिन गफूर भाई, आप ही ने तो मना किया था उनको मारने से। मारने से मना किया था, अलग करने से नहीं। दोनों की ताकत एक दूसरे में है। दिखाने कैसे चिपके रहते हैं दूसरे से। सर, इस किडनैपिंग के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। सच तो यह है कि यहाँ बक्सर में दूसरे शहरों के मुकाबले बच्चों के साथ होने वाले क्राइम बहुत कम है। पर हाँ, कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ बाहर से बच्चे भीख मांगने के लिए लाए गए हैं। इनफैक्ट अभी हम जिस एनजीओ में जा रहे हैं, ये स्वीट चिल्ड्रन के लिए काम करती है। हो सकता है इन दोनों बच्चों की इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाए। क्या बात है सर? बंसी देवी कहाँ? अंदर है। एक मिनट सर, मैं मैडम को बुला कर लाता हूं। क्या सर जी, आपसे कितनी बार आवेदन किए हैं कि वर्दी में यहां ना आया कीजिए, बच्चे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। अब इतना टाइम नहीं था कि कपड़े बदल कर घर से आ जाऊं वापस। खैर छोड़िए, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। इन बच्चों को कहीं देखा है? चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि सर जी तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं, कभी भी किसी भी बच्चे का खोने का खबर मिला कि फोटो पहुँचा दी जाती है हमारे पास। एक बार तो एक बच्चा भी मिला था यहाँ से। क्यों सर जी, इन बच्चों का फोटो भी आया है हमारे पास। तो आपने इन बच्चों को कहीं नहीं देखा? जी नहीं, अगर देखे होते तो अब तक इन्फॉर्मेशन दे दी होती।
आपके यहाँ के बच्चे करते क्या है? इनका खर्चा कैसे चलता है? करते क्या है मतलब? अरे पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ सीखते हैं। समाज को कुछ ना कुछ तो लौटाना ही पड़ता है सर जी। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप मर चुके हैं या माँ बाप ने छोड़ दिया इन्हें। और रही खर्चे की बात, तो ग्रांट व्रांट मिल जाता है हम लोगों को। थैंक यू। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें जरूर बताइएगा। जी बिल्कुल। नमस्ते। दूध रोटी खा ना बेटा। अरे खा कहा? अरे क्या हो रहा है? और रोटी का टुकड़ा डाल दिया ना दोनों को? हाँ गफूर भाई डाल तो दिया, लेकिन वो लोग अभी भी टूट नहीं रहे हैं। भाई भाई चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के लिए। टूटेंगे, थोड़ा सा पानी और रोटी का टुकड़ा जब उनकी भूख बढ़ाएगा, उनका अकेले रहना जब उनकी हिम्मत तोड़ेगा तो टूटेंगे। देखना गुलाम, बहुत बढ़िया पैसा कमाएंगे इसमें। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में लगभग 1 करोड़ स्ट्रीट चिल्ड्रन, और इनमें से ज्यादातर बच्चे भीख मांगते हैं, और ये गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारी सोच ऐसी है कि भीख देने को हम पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जिसे हम भीख दे रहे हैं उसका अतीत क्या है। पुलिस की कोशिश एक बार फिर अंधेरे में खो गई। ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी? अरे भैया बस 2 मिनट रुके, हमको थोड़ी भूख लगी है। अरे भैया हमारी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलना है। सर यहाँ आकर भी हमारे यहाँ कुछ नहीं लगा। सर हम अपने खबरी नेटवर्क को फिर से डीएक्टिवेट करें क्या? इन बच्चों को कहीं देखा है? एक मिनट, मुझे याद आ गया मैंने उस बच्चे को कहाँ देखा था। बच्चा? कौन सा बच्चा सर? वही बच्चा जो पीछे भीख मांग रहा था, उसे मैंने बंसी देवी के यहाँ देखा है। यू टर्न लो। लेकिन सर बंसी देवी ने तो कहा था कि वो बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है। यही तो समझना है कि ये बंसी देवी आखिर चीज क्या है। बेटा डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे पास आओ, आजो। भैया भैया श्याम जी, लगता है इसका भाई भी है, जरा देखिए तो, और पुलिस को भी फोन लगाइए। आजो, डरते नहीं। हाँ हम मदद करेंगे तुम्हारी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.